सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो अपनी नायला शायला है, ठीक है। तो आपने टाइटल उसमें देख ही लिया, दो कौड़ी के, ठीक है, टके टके पे बिकने वाले पाकिस्तानी इंडिया को कैसे, इंडियन यूट्यूबर्स को कैसे ब्राइब देते हैं, और वो भी $20। तो ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ नायला शायला की। बात शुरू करते हैं इससे कि इनको स्ट्राइक्स मिली थी, तो कैसे मिली थी ये अपने मुंह से बोलेंगी। उससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, दो तीन वीडियो में बता चुका हूँ कि इन्होंने मेरे को भी अप्रोच किया था किसी को स्ट्राइक दिलवाने के लिए, मजिस्को वाली को, ठीक है। तो हमने भी की थी, तो इनके ऊपर स्ट्राइक लगी थी। तो इनकी औकात देखो पाकिस्तानियों की, कि क्या औकात है, जैसे ये खुद बिकते हैं, ये सोचते हैं कि इंडियन यूट्यूबर भी बिकाऊ हैं। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, और मैंने आपसे पीएनएमएम की भी बात करनी है, जो काफी ज्यादा एक्साइटेड है या काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं, उनको मैं एंड में उनसे थोड़ी सी पीएनएमएम के बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ नायला शायला की, तो उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगा भी, उसके बाद फिर एंड में मैं आपको एक वीडियो है जो हमारे पार्था भाई जी ने तैयार की हुई है, ठीक है। अभी उन्होंने अपलोड नहीं की है, मैंने तो कहा था उनको अपलोड कर दीजिए, लेकिन वो उन्होंने पता नहीं की किसी रीजन की वजह से नहीं की, लेकिन वो वीडियो मैं एंड में आपको पूरी डिटेल के साथ उन्होंने चलाई है, वो 2-5 मिनट की वीडियो है, वो जरूर एंड में देखना आप लोग। तो छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है, नायला शायला का, तो बात करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्लिप नायला शायला का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो फिर एक इमरजेंसी वीडियो है, और समझ दें कि हमें फिर से आप सबके हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी हेल्प नहीं होता, हेल्प होता है, ये वही है ना, मेजर गौरव वाले सर बोलते हैं हेल्प की जरूरत है। पिछले 6 दिन पहले डॉक्टर कुमार विश्वास की चैनल की तरफ से स्ट्राइक आई थी, तो फिर आप तमाम इंडियन फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की कि उन्होंने स्ट्राइक हटा ली। अभी देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्राइक का भी। अभी जैसे आप लोग बोलते हो ना स्ट्राइक वापस हो जाती है, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि हमारे इंडियन जो भाई है ना, बड़े दिल के पिघलू हैं, ठीक है, स्ट्राइक दे भी देते हैं और वापस भी ले लेते हैं, ठीक है। ये मिनते मुते करती हैं, पता नहीं क्या करती हैं या क्या करते हैं ये पोर्की, ठीक है, क्या जादू करते हैं, क्या कलमा पढ़ते हैं। हमारे इंडियन भाई पता नहीं क्यों कमजोर पड़ जाते हैं, स्ट्राइक देने के बाद वापस लेने का तो मतलब ही नहीं होता, वो तो थूक के चाटना हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, या तो स्ट्राइक दो ना, अगर दी है तो वापस ना लो। ये कौन सा मतलब हुआ कि पहले स्ट्राइक दे दो फिर वार्निंग दे दो, स्ट्राइक से पहले आप वार्निंग भी दे सकते हो, लेकिन हमारे भाई स्ट्राइक दे देते हैं फिर उसको वापस ले लेते हैं। इसको मैं तो पता नहीं क्या है यार, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल टफ काम है किसी का चैनल बंद करवाना, क्योंकि ये मिनते इतनी करते हैं, और हमारे जो अमर के आशा वाले ये इतना प्रेशराइज करते हैं हमारे इंडियन यूट्यूबर को, धमकियां तक देते हैं, इसमें धमकियां दी गई हैं, ठीक है, इन्होंने धमकियां दिलवाई हैं इन लड़कियों ने हमारे, क्या कहते हैं, जिसने स्ट्राइक दी थी, अभी बात करेंगी वो बताता हूँ मैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मुंबई वाली, और स्वैप बॉन्ड चैनल की वीडियो थी, मैंने उनके शूट आउट भी दिया उनके चैनल, और शूट आउट नहीं होता, शाउट आउट होता है। फिर कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, सीईओ क्यों नहीं लगते, वैसे तो सीओ बोलते रहते हैं ये इंडिया के सीओ वहां पे है, गूगल का सीओ, ठीक है, मास्टर कार्ड का सीओ, सीईओ होता है, और शूट आउट नहीं होता, शाउट आउट होता है। चैनल का लिंक भी दिया, क्रेडिट भी दिया, अपने फ्रेंड्स को भी बोला इनके चैनल भी सब्सक्राइब करें, और मतलब कि जितना भी 4 मिनट का पॉजिटिव रिव्यू दिया इनके वीडियो पे, कि मैंने उसमें आपको बताया यही बोला था कि हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, उन्होंने वीडियो अच्छी बनाई है ये वो, लेकिन 15 से 16 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने हमारे चैनल पर स्ट्राइक दे दिया। पहले तो उसको ये वाली वीडियो बना के ये कहा कि हमारी स्ट्राइक वापस लो, जब उन्होंने वापस नहीं ली तो इन्होंने अपने जो इंडियन है, इंडियन इतने दिमाग से पैदल हैं, इनके कहने पे अपने भाई को, इंडियन भाई को धमकियां देनी शुरू कर दी कि तू स्ट्राइक वापस ले, नहीं तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो आपको सारी डिटेल में वीडियो है, वो एंड में चलेगी, 5 मिनट वीडियो, वो जरूर देखना, ठीक है, उसमें कंप्लीट है, रोक रोक के देख लेना। तो मैं आपको अब ये बताता हूँ कि इन्होंने ये, जब इनका बस नहीं ना चला, जब उस भाई ने कहा कि तू जो करना है कर ले, उस भाई ने अपनी वीडियो भी बनाई है, तो उसने बोला कि तू जो करना है कर ले, मैंने स्ट्राइक वापस नहीं लेनी,
मैंने एक ऐसा इंडियन देखा जो लड़ गया कि अब उसको धमकी आने शुरू होगी और वो कहता कि कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद मैं अभी आपको ये जो देख रहे हो आफ्टर थ्रेट, मैं बीच बीच में आपको सिर्फ 4-5 स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, बाकी जो डिटेल वीडियो है एंड में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है सबसे पहला थ्रेट, आफ्टर थ्रेट वीडियो हमने रखी हुई है, ये मेल का है, ठीक है। इसमें नायला शायला ने मेल की हुई है, इसने लिखा हुआ है आई मेल्ड यू मैनी टाइम्स, ठीक है, बट यू गॉट नो रिस्पॉन्स। पता नहीं क्या इंग्लिश की माँ बहन की हुई है, बट यू गॉट नो रिस्पॉन्स, ठीक है, सत्यानाश ही है। नाउ आई हैव एन ऑफर फॉर यू, ठीक है, ऑफर कर रही है, आई एम रेडी टू पे यू $20 इफ यू रिमूव स्ट्राइक, इफ यू आर इंटरेस्टेड रिप्लाई मी बैक, रिगार्ड्स शायला। ये शायला ने की हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 कौड़ी पे बिकने वाली, टके टके पे बिकने वाली कॉम, ठीक है, जो खुद बिका हुआ वो ऑफर दे रही है हमारे भाई को कि तू जो है ना इसका क्या कहते हैं, तू स्ट्राइक वापस ले लेते तो $20 ले लेते हैं। तो मैं नायला शायला को एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे इंडियन भाई चाहते हैं ना, तू $100 मेरे से ले दे, वो जो चाहते हैं उनका काम पूरा कर दे, कर दोगी तू? समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आगे देखते हैं फिर इस पे, फिर एक मैं आपको ये जो देख रहे हो ना, ये इसके कमेंट किया हुआ है, जब इसने दिया था तो लोगों ने इसको डालना शुरू किया जब ऑफर की थी इसने, तो ये लिख एक कमेंट किया हुआ है उस भाई ने, एक्स मुस्लिम नाम का, एक्स मुस्लिम इमरान अली नाम का कोई है आईडी, उसने इसको नायला शायला को लिखा है, आप फंस गए हो तुम दोनों, स्वैपे बॉन्ड को $20 ब्राइब देने की कोशिश की, ये पाक में लीगल होगा बट इंडिया में इट्स अ क्राइम। तो ये मैसेज गया उसको, एक स्वैप बॉन्ड का मैसेज पोस्ट किया हुआ है, ये हमारे जो मैंने रैक्ट विद इंडियन जो मैं आपको लास्ट में वीडियो दिखा रहा हूँ वो मैं, ये चैनल है रैक्ट विद इंडियन, ठीक है, ये पार्था भाई है, इन्होंने इनकी वीडियो है, इनकी वीडियो मैं एंड में चलाऊंगा, तो उनसे जो इंटरेक्शन हुआ था क्योंकि उन्होंने सारा ये डिटेल निकाली थी, ये डिटेल पुरानी है, मैं बता रहा हूँ कि पोर्कियों की औकात क्या है। तो उन्होंने जो निकाली है डिटेल उसमें क्या है, जो स्वैप बॉन्ड लिख रहे हैं, अ चैनल फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, नायला एंड शायला इज यूजिंग इट्स सब्सक्राइबर्स टू थ्रेटन मी टू रिएक्ट अ स्ट्राइक विच आई गेव देम बिकॉज दे इलीगली यूज्ड माय वीडियो विदाउट परमिशन, यूट्यूब स्पोर्टेड Me too authorized the strike because I was right in issuing it and I gave all the reason to justify it. ठीक है, kindly help me fight this new kind of social media terrorism wherein a channel from Pakistan is harassing me. तो इन्होंने harassing शुरू की थी ये $20 bribe देने से पहले भाई को, इन्होंने खुद स्वैप बॉन्ड ने ये लिखा था कि ये क्या कर रही थी कि अपने जो, क्योंकि ये है तो वही है ना 72 करोड़ वाली है, ये नीचे जमीन पे आ गई है। क्या बोला तूने? कई लोगों को बड़ी पसंद है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो इनके चक्कर में कई लोग फंसे हुए हैं और इंडियन इनके चक्कर में अपने भाई को थ्रेटन कर रहे थे, लिटरली थ्रेट किया गया था अपने स्वैपी बॉन्ड को। तो ये देख लो अपने भाइयों का कितना हिंदुस्तानियों का दिमाग खराब है। मैं आपको ना अपने भाइयों की और इन पाकिस्तानियों की एक मेंटेलिटी दिखा रहा हूं कि ये कैसे लोग हैं। पहले ये, क्योंकि हमको लगता है कि नायला शायला होगी और चैनल हो गए, ये बड़े मीठे मीठे बातें करते हैं, कोई मीठे नहीं है, अंदर से ये जहरी खोरी है और किसी को बर्बाद करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। तो नायला शायला को मैंने ऑफर दी है, उस पर जरा ध्यान दे, ठीक है, $100 मेरे से ले, तो जो इंडियन भाई चाहते हैं उनका वो काम पूरा कर दे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर ना इन्होंने भी डिस्क्रिप्शन में, बीच बीच में दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट, आगे पीछे हैं, ठीक है, ये लाइन वाइज नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात, एक समझाने का प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी वीडियो जो बनाई हुई थी, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, वी रिसीव्ड स्ट्राइक फ्रॉम यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, पता नहीं क्या लिखती है, इंग्लिश पढ़ लो भाई क्या है। नेम स्वैपी बॉन्ड, चैनल लिंक दिया हुआ है स्वैपी बॉन्ड का, ठीक है, वीडियो लिंक दिया हुआ है, ईमेल का दिया हुआ है स्वैपी बॉन्ड का, ठीक है, डियर फ्रेंड्स
ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू ईमेल दिस चैनल टू विदड्रॉ द स्ट्राइक। ये देख लीजिए, इन्होंने तमाशा लगा रखा है, ठीक है, इंग्लिश की माँ बहन। अच्छा, उसके बाद एक कमेंट क्या हुआ है, एक्स मुस्लिम का ही है, बड़े बेवकूफ लड़कियों लड़की निकली तुम लोग, स्वैपी बॉन्ड को 20 ब्राइव देने की कोशिश की, $20 में इंडिया को खरीदना चाहते हो, ठीक है, वेरी चीप माइंडेड लोग हो तुम यार, अब ये चीज कहाँ कहाँ फैलती है, बस देखते जाओ, पहले अपने सब्सक्राइबर्स से धमकियां दिलवाई, अब ब्राइव देने की कोशिश की, बात बहुत आगे निकल चुकी है, सब्सक्राइबर्स को बोलो पुलिस केस से बच ले, जो धमकी दिया है सारे फंसेंगे। तो ये भाई जो एक्स मुस्लिम इमरान अली है, इन्होंने इस पर कमेंट डाल दिया जाके, क्योंकि जो इंडियन ने अपने स्वैपी भाई को, स्वैपी वॉन को दी थी धमकियां, ठीक है, उनके लिए किया गया था, और इनको भी बताया गया था कि तुम्हारा कितना घटिया माइंडसेट है, पहले धमकियां दिलवाती हो, फिर $20 की ब्राइव देती हो, और उसके बाद इन्होंने ये भी इसमें लिख दिया कि वो अपना उसकी कंप्लेंट होगी जो जिसने धमकियां दी हैं। अब भाई लोग, मेरे को ये नहीं समझ आती, जिसको फंसाती हैं लड़कियां, ठीक है, लव जाल केड़ा क्या होता है, जो भी होता है, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ यार, एक तो ना दिमाग भी ऐसा ही हो गया है, तो ये ना लव जिहाद, ठीक है, इसमें ये फंसाती हैं। इसने कई अपने यहाँ पे यूट्यूबर को भी फंसाया था, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, मेरे को हमारे पास सारी स्टोरीज पड़ी होती हैं, पड़ी भी हैं, क्योंकि हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, ठीक है, उसको भी लव जिहाद में इन्होंने फंसाने की कोशिश की है। तो ये सारा चक्कर होता है, तो इसी में हमारे इंडियन तो नहीं, जो मैं कह सकता हूँ कि जो अमन की आशा वाले हैं ना, जहाँ इनके लव के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वो अपने भाइयों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, मिलना मिलाना उनको अठन्नी की नहीं है। मैंने इनको अभी देख लो, आपके सामने $100 की ऑफर कर दी है, इनकी तो 20 की औकात है, मैंने $100 की ऑफर की है, जो हमारे भाई हैं जो ज़्यादा इश्क मुश्क में इनके साथ पड़े हुए हैं, तो उनकी इच्छा पूरी कर दे, $100 मैं दे देता हूँ, बॉर्डर पे आ जाए, बाघा बॉर्डर पे। तो यहाँ ये मैंने आपको दिखा रहा था कि इनकी नाइला शाइला की असली औकात क्या है, और इसलिए मैं सारे हिंदुस्तानी भाइयों को कहता हूँ कि इनके चैनल पे मत जाया करो, सब्सक्रिप्शन मत दिया करो, यही मेरा दिखाने का आप लोगों का, इनकी पोल पट्टी खोलने का मकसद था। तो बाकी रही बात, आगे करते हैं, लास्ट बात ये करूँगा कि PNM ने एक पोस्ट डाली है अपने पुराने PNM पे, मेरे को कई मैसेज आए थे भाई उसका चैनल ये हो गया वो हो गया, देखो भाई मेरे पास कोई अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कम्युनिटी पोस्ट डल रही है, वीडियोस की नहीं है, उसने मेरे को जहां तक पता चला कि उसने प्राइवेट की है, लेकिन 100% श्योरिटी मेरे पास नहीं है कि उसने प्राइवेट की है, या यूट्यूब ने ही उसकी सारी की सारी वीडियो उड़ा दी है। उसने कहा कि वापस आएंगे हेटर, ठीक है, हेटर्स आर मोटिवेटर, ठीक है, तो उसको मेरी ये है, देख तू अगर ऐसी PNM को मैं बताना चाहता हूँ और PNM के बंदों को बताना चाहता हूँ, ऐसी बातें मत करो, ठीक है, भड़काओगे तो जीने नहीं देंगे फिर उसको, वो जीना चाहता था ना, उसने खुद बोला था मेरे परिवार के ऊपर आ जाती है बात यार, मुझे सर्वाइव करना है, मिन्ते कर रहा था, गोडे रगड़ रहा था, नाक रगड़ रहा था कि मुझे मेरे परिवार पे असर होता है, मेरी रोजी रोटी है, मेरी रोजी रोटी उड़ जाएगी। तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ, फारिस को, ठीक है, फारिस तू ऐसी बातें लिखेगा ना बाद में फिर रोता दोगला मुंह ना दिखाया कर, या तो अगर लड़ना है तो सीधी तरह हेटर मोटिवेटर्स मत लिख, ठीक है, अगर तूने सर्वाइव करना है, मैंने उस टाइम भी बोला था 99% तेरा चैनल जाएगा, 1% चांस है, अब मेरे को नहीं पता इसका चैनल जाता या नहीं जाता, गया कि नहीं गया अभी तक, ठीक है, ये लेकिन ये कन्फर्म है, एक बात पक्की है, जो आते हैं ना यहाँ पे, इसको बाप है, ये तेरा बाप है, वो तेरा बाप है, लिखने इसका एक या एक दो कमेंट ही आए, मैं प्रवानिक भारता नाम है उसको रिप्लाई देता हूँ, उनके लिए मेरी ये सलाह है, किसी की रोजी रोटी पे लात मरवाने का काम तुम लोग करते हो, जो आते हैं कमेंट में डालते हैं, और फारिस खुद ये दो नंबरियां करके दो बारी बोलता है, कभी हेटर्स है, कभी ये है, कभी वो है, फारिस सुन ध्यान से, अगर तूने जीना है ना तो आराम से जी ले, ऐसी बातें बोलेगा दोबारा भड़केंगे मेरे लोग, हम लोग दोबारा भड़केंगे, और तेरे को फिर सच में जीने नहीं देंगे, तू जो दूसरे चैनल भी चला रहा ना तो कब तक सर्वाइव करेगा, देखो वीडियो तो हमारी यूज करनी पड़ेगी, तू मेजर और गौरवारिया सर की वीडियो यूज कर रहा है ना, तेरे को नहीं पता कॉन्टेक्ट में है क्या की चल रही है, ठीक है, जिस दिन और वीडियो हो जाएगी थोड़ा सा और बढ़ेगा फिर तोड़ देंगे, सारी जिंदगी ऐसे करते रहेंगे, तू बनाता रहेगा हम तोड़ते रहेंगे,
जब तक तेरी कमर ना टूट जाए, जब तक, जब तुम्हारे वहां पे $500 हो जाएगा ना, तब ये वीडियो वीडियो बनाने भी भूल जाएगा, जब रोटी के लाले पड़ जाएंगे, जब यूट्यूब से किस नहीं मिलेगा। तो ऐसी बातें मत लिखा कर अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, फुकरी मत मारा कर, हवा मत मारा कर हमारे सामने, ठीक है। ये दोगलापन लेके मत आया कर, हेटर्स मोटिवेटर्स ये बकवासबाजी मेरे साथ मत की, आगे से मत करियो, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूँ इंडियन भाइयों को, डीमोटिवेट मत होया करो यार ऐसी बातों पे। ये हम पिछले 8-9 महीने से, ये पिछली बार भी एक बारी बाल बाल बच के गया था, बाल बाल, इसने मैंने आपको बताया था रात को सारी रात बैठ के अपनी सारी वीडियो डिलीट की थी, इसको स्ट्राइक पे स्ट्राइक गई थी, इसको पता चल गया था कि अब मरूंगा, ठीक है। तो उस वक्त इसने ऐसे बच गया था, अब मेरे को नहीं पता कि ये 7 स्ट्राइक थी जो एक ही गई थी, दो पक्की थी, अब क्या वापस हुई है, कैसे वापस हुई है, इसकी कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों का भरोसा नहीं किया जा सकता। वेट एंड वॉच, इसको वीडियो डालने दो, वीडियो तो डालेगा ना कभी तो वो चैनल चलाएगा ना, तो वेट कर लो भाई, सब गेम हो जाएगी। ये ऐसे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। चैनल बंद करवा, आप ये सोचो कि हमने चैनल को इतना डैमेज पहुंचा दिया, इतना डैमेज पहुंचा दिया, इसकी रोना निकल गया, रोटी पानी पे ये मिनते कर रहा था, आपको वीडियो देखी है आपने, आप इसकी वीडियो के इसके लफ्ज सुनोगे ना, इसका रोना निकला हुआ है इसमें वीडियो में। इसका सच में बता देता हूं, इसका घर चलता है इस यूट्यूब पे ही, ये और कोई काम नहीं करता, ये कोई काम नहीं करता, ये पीटीआई की रैली में जाता है एक दो बारी, ठीक है, बस मुल्लाबाजी मुल्लागिरी करता है और कुछ नहीं करता। तो टेंशन मत लो मेरे भाइयों, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, अपने कर्म करते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे घास काटते जाओ, इनका मामला होता रहेगा, अब टेंशन मत लो इस बात की। चलिए खैर, यहां तक तो मैंने आपको बताना था, और हाँ मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है अपने, आज ही इंस्ट्रक्शन दी थी तो अपने ग्रुप में टेलीग्राम के, तो वो इंस्ट्रक्शन पे मैं चाहता हूँ जितने भी टेलीग्राम वाले ग्रुप के मेरे सोल्जर्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ओपनली वो इंस्ट्रक्शन नहीं बता सकता क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पता चल जाता है। तो मैंने वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उस इंस्ट्रक्शन पे पीएनएम के खास रिकॉर्ड रिगार्डिंग दिए एक इंस्ट्रक्शन, तो उस इंस्ट्रक्शन पे पूरा गौर करें, काम करें अगर आप दिल से चाहते हो, ठीक है, काम करना, क्योंकि ये अकेले के बंदे की बस बात नहीं है, हमारे सब मिलके हमने काम करना है। तो टेलीग्राम पे जो नेशन फर्स्ट के हैं ग्रुप में, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करो, कम से कम 15-20 दिन उस जो चीज बोली गई है उसको 15-20 दिन शिद्दत से करो, 5 मिनट लगते हैं डेली के, रोज के 5 मिनट निकालने हैं उस जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस इंस्ट्रक्शन पे काम करने के लिए, ठीक है, अपने 5 मिनट दो, सब काम होगा, ठीक है। चलिए यहां तक थी वीडियो, अब मैं यहां पे आपसे विदाई भी लेता हूं, ठीक है, और मैं आपको जाते जाते वीडियो पार्था भाई के जो बनाई है और वो मैं वीडियो आपके लिए छोड़ जाता हूँ, वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं अभी से आपको जय हिंद बोलता हूँ, उसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा। और प्लीज़ अगर ये चैनल आप विश्वास रखिए, मेरे को ये नहीं रहना देना कि कोई लोग कहते हैं कि उड़ा तो है नहीं, क्या उखड़ गया क्या नहीं उखड़ गया, मेरे से इस नहीं, मैं अपने कर्म करता जा रहा हूँ भाई, जो सच्ची बात है मैं बताता जा रहा हूँ, जो मैं काम करता जा रहा हूँ मैं अपनी शिद्दत करता जा रहा हूँ, आप लोग, मैं डीमोरलाइज नहीं होता, हाँ अफसोस होता है कि यार ये काम हुआ नहीं, कैसे नहीं हुआ, चलो फिर दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये मैं पिछले 1 साल से, ठीक है, 1 साल से ऊपर हो गया, तब से मैं यही काम करता आ रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो उठा के देख लेना, कभी फेल कभी सक्सेस, कभी फेल कभी सक्सेस, कभी फेल, ठीक है। जो बंदा फेलियर से डर जाता है ना, वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, इसलिए फेलियर को हमेशा मोटिवेशन लेके चलो अपनी, फेल हुए क्यों हुए कैसे हुए ये एनालाइज करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सक्सेस जख मार के आपके पैर चूमेगी, तो जो बंदा हौसला हार जाता है वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसको मंजिल नहीं मिलती, वो निराश होके बैठ जाता है। मेरे पास अभी भी इतने इतने पुराने, ठीक है, सोल्जर्स हैं, सब्सक्राइबर जिसको आप बोलते हो यूट्यूब की लैंग्वेज, मैं सोल्जर बोलता हूँ, पुराने हैं, अभी तक मेरे को मैसेज डालते हैं, कमेंटों में मैसेज डालते हैं अभी तक। वो ये होता है कि किसी चीज़ को हम आगे चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कभी डीमोरलाइज नहीं होते। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो, आई होप कि अच्छी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नेशन फर्स्ट को सपोर्ट करो भाई, आपकी बहुत ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देख के जरूर जाना, ठीक है। विदाई की लेने से पहले आपको ये कह रहा हूँ, वीडियो जो पार्थ भाई की है ये लास्ट देख के जाना, इसी पे आपको पॉज करके देखते रहना अगर पूरा डिटेल में है वो, ठीक है। यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो फिर एक इमरजेंसी वीडियो है, और समझ दें कि हमें फिर से आप सबके हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी पिछले छह दिन पहले डॉक्टर कुमार विश्वास की चैनल की तरफ से स्ट्राइक आई थी। तो फिर आप तमाम इंडियन फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की कि उन्होंने स्ट्राइक हटा ली। अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मुंबई वाली, और स्वैप बॉन्ड चैनल की वीडियो थी। मैंने उनको शूट आउट भी दिया, उनके चैनल का लिंक भी दिया, क्रेडिट भी दिया, अपने फ्रेंड्स को भी बोला इनके चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मतलब कि जितना भी 4 मिनट का पॉजिटिव रिव्यू दिया इनके वीडियो पे, कि मैंने उसमें आपको पता यही बोला था कि हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, उन्होंने वीडियो अच्छी बनाई है ये वो, लेकिन 15 से 16 घंटे के अंदर उन्होंने हमारे चैनल पर स्ट्राइक दे दिया।